आमिर खान की पागलपन इस मूवी पर इतनी भयानक तरीके से दिखाया गया है। आज हम इस वीडियो में आमिर खान की एक खतरनाक एक्शन मूवी की जानकारी देने वाले हैं। आमिर खान की फिल्म गजनी 2008 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे A.R. मुरुगादॉस ने निर्देशित किया था। यह फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म गजनी की रीमेक है जो 2005 में रिलीज हुई थी। कहानी गजनी की कहानी संजय सिंघानिया आमिर खान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक सफल बिजनेसमैन है। संजय को एक दुर्घटना के बाद एक दुर्लभ प्रकार की याददाश्त की बीमारी होती है जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। इस बीमारी के कारण वह सिर्फ 15 मिनट तक ही चीजों को याद रख पाता है। संजय की प्रेमिका कल्पना असिन की हत्या गजनी प्रदीप रावत नामक एक गैंगस्टर द्वारा कर दी जाती है। संजय अपनी याददाश्त की समस्या के बावजूद गजनी से बदला लेने की ठानता है। वह अपनी बॉडी पर टैटू और पोलरॉइड फोटोज का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपने मिशन को जारी रख सके। मुख्य कलाकार आमिर खान संजय सिंघानिया असिन कल्पना शेट्टी जिया खान सुनीता प्रदीप रावत गजनी धुरजान मुख्य आकर्षण। फिल्म के एक्शन सीन और आमिर खान का शारीरिक परिवर्तन मुख्य आकर्षण थे। आमिर खान ने इस फिल्म के लिए अपने शरीर को बहुत मस्कुलर बनाया था जिससे उनके किरदार को एक इंटेंस लुक मिला। अपनी मौत का इंतजार कर। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन गजनी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। यह फिल्म न केवल एक्शन और थ्रिलर के शौकीनों के लिए बल्कि आमिर खान के फैंस के लिए भी एक मस्ट वॉच फिल्म है। इस मूवी की एक्शन सीन इतनी खतरनाक है सिनेमाघर में सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस मूवी पर आमिर खान की बहुत ही खतरनाक